मुझे डर लग रहा है यार, ये हम कहाँ आ गए हैं? बेबी आई नो दिस प्लेस, यू जस्ट ट्रस्ट मी, यू नो ना आई एम योर सुपरमैन। इतनी सुनसान जगह है ये। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। इट्स ओके, आई नो वन मोर वे, कम ऑन, देयर इज अ विंडो। ओह माय गॉड, विंडो? या विंडो से कैसे जाएंगे हम? खुली है। रोहन, आई रियली डोंट थिंक कि हमें यहाँ होना चाहिए। मैडम, पूरी रिसर्च करके आया हूँ, अब ज्यादा टेंशन मत लो, वहीं टंगे रहने का इरादा है क्या? अंदर आओ यार, वील हैव फन। ओके। देयर्स अ स्विच। ओके। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा था ना, अमेजिंग है ना? Really? लेकिन ये घर है किसका? अरे क्या फर्क पड़ता है? रोहन, या? एक चीज नोटिस की है तुमने? ये पूरा घर फुली फर्निश्ड है ना? या, अमेजिंग ना? Oh my God, ये पेंटिंग, ये सब, I'm so excited. अच्छा सुनो ना। बोलो। मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। कोई नहीं, देखते हैं। हाँ। I guess किचन उस तरफ है। किचन में? चलो चलो देखते हैं। कम कम ऑन। यू नो ना बेबी, आई लव यू सो मच। अच्छा अच्छा, घर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। लेट्स सी क्या है इसमें। हाँ, लेट्स चेक। जैकपॉट। जूस। थैंक्स। फाइन। तुमने तो कहा था यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो फिर पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? आई डोंट नो, लेट मी गो एंड चेक। हाँ प्लीज। अरे पियानो, वाओ, लेट्स गो। वाओ, व्हाट अ लवली पियानो। ओह गॉड, यहां शोर मचाने नहीं है, अंडरस्टैंड? लेट्स गो। या कम ऑन, चलो। रोहन, ये अब ये पियानो कौन बजा रहा है? रोहन, रोहन चलो यहाँ से, चलो ना, चलो चलो। ये क्यों बंद हो गया? क्या हो रहा है ये? काम तो प्लीज कुछ करो ना, प्लीज प्लीज कुछ करो।
Wow, Arjun, that's a beautiful house. Yeah. आइए. बच्चों ध्यान से. मुबारक हो आपको ये घर. क्या बात है? नहीं? पसंद आया ना? जी. अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि आज का दिन भी शुभ है. लगे हाथ मेरी ब्रोकरेज मिल जाती तो. लेकिन अभी एग्रीमेंट वगैरह कहाँ हुआ है? अरे सर उसकी क्या बात है, वो मैं आपको कल दे दूंगा. भरोसा है ना मुझ पर? अगर ऐसा है तो आप मुझे चेक से पेमेंट कर दीजिए. ऐसी क्या बात है? मैं कल आता हूं. अरे अरे पर आपकी ब्रोकरेज वो. अरे उसकी क्या जल्दी है, मैं कल ले लूंगा. चले. कम प्राइस में बहुत अच्छा मिल गया. आओ. वाह. अरे वाह सरगम, इतना अच्छा पियानो कहाँ से बजाना सीखा? हम नहीं बजा रहे थे, ये खुद बज रहा था. आपको ना बुद्ध बनाने के लिए सिर्फ मम्मा मिलती है, राइट? शैतान. भाई वाह, तो आखिर तुम्हें तुम्हारा अपना पियानो मिल गया. मैं जानता हूँ शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा अपनी खुशियां. लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं अर्जुन, और वैसे भी अब तो बच्चे बड़े हो गए और मुझे मेरा पियानो भी मिल गया. सो व्हाई नॉट आई कंटिन्यू नाउ. और मैंने देखा है बच्चों को भी इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं उन्हें भी सिखा दूंगी. और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है जो सपने मैं अचीव नहीं कर पाई वो मैं अपने बच्चों को जरूर करवाऊंगी. फैंटास्टिक. मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद है, नया घर नई शुरुआत. रियली? यस. बच्चों आराम से. हाँ पापा. क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस इस घर के बारे में सोच रही थी. अब इसमें सोचने वाली क्या बात, इतने कम रेंट के ऊपर इतना अच्छा घर हमें मिला है, हैं? इतने ब्रोकर्स के यहाँ पे धक्के खाए हमने. मैं तो सच कहता हूँ यार, इस घर में कुछ बात. वही तो सोच रही हूँ, क्या बात है? अरे बात ये है कि अपने पति को क्रेडिट दो इतना अच्छा घर ढूंढने के लिए. रियली? और क्या. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं. Bye beta, take care of. See you in the evening. I have to do work. Okay.
वहां? कौन है वहां? दोनों हो ना वहां पर? देखो मामा गुस्सा करेगी, ऐसे मजाक मत करो। चलो चलो निकलो वहां से बाहर। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शगुन, सरगम, महक 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 कहाँ हो महक? अरे भाई शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? ऊपर आ जाओ, मैं बेडरूम में हूँ। नानी आप आ गए। नानी आप आ गए, कैसे हो बच्चों? ठीक हूँ। जीते रहो बेटा, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। बेटा कुछ तो खा लो। क्या बात है माँ जी, बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए। अर्जुन जाने से पहले नाश्ता कर लो बेटा। नहीं माँ जी, भूख नहीं है। बेटा तुम कुछ खा लोगे तो शायद ये बच्चे भी कुछ खा लेंगे। सच में माँ जी भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं शाम को मिलता हूँ। बेटा आप लोग स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? नानी हमें मम्मी के बिना नहीं पढ़ना। नानी हमें मम्मी के बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, बस हमारी मम्मी लौटा दो। प्रॉमिस हम कभी भी बदमाशी नहीं करेंगे। Thank you.
दीदी दीदी क्या हुआ सरगुन? कोई पियानो बजा रहा है। चल देखते हैं। क्या हुआ बेटा? नानी ये पियानो कौन बजा रहा है? पता नहीं नानी, कोई थी इधर, एक औरत थी। औरत? चलो कमरे में चलो बेटा। माँ जी मैं जा रहा हूं। मोबाइल कमरे में भूल गया। कौन है वहां पर? Hi, I'm Cynthia. आप अंदर कैसे आई? Sorry, दरवाजा खुला था, सोचा अंदर ही वेट कर लूं। Nice to meet you. मैं एक professional pianist हूँ। मैंने सुना है कि आपके बच्चों को एक पियानो टीचर की जरूरत है। आपको कैसे पता? आपकी वाइफ ने बताया। मैं राइट? आई एम सो सॉरी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मेरी वाइफ? यू हैव अ नाइस हाउस। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ ने आपसे कब कांटेक्ट किया था? क्योंकि हमें तो यहां आए सिर्फ 2 दिन हुए और इस तरह से अचानक आपका आना। May I? आपको कैसे पता चला कि पियानो यहाँ है? क्या पहले आप इस घर में आ चुकी हैं? Not really. पर यहाँ की सारी चीजें जानी पहचानी सी लग रही हैं। सरगुन, सरगम इधर आओ, आओ बच्चों इधर आओ। बच्चों ये मिस सिंथिया है,
कि तुम लोगों को यहाँ पियानो सिखाने के लिए आई। हेलो पापा, हमें पियानो नहीं सीखना। और बेटा? पापा, हमें पियानो नहीं चाहिए। सरगुन, बच्चों, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद, पर बच्चों ये भी तुम्हारी मम्मी की विश थी। पता है तुम्हारी मम्मी चाहती थी कि तुम दोनों पियानो को बजाना सीखो और अगर हो सके तो उन्हीं की तरह एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बनो। बेटा अपने लिए ना सही, अपनी मम्मी के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हो। उन्होंने सिंथिया मैम को यहाँ तुम्हें सिखाने के लिए बुलाया था, इसीलिए तो आई है वो। मैं यहाँ तुम लोगों के लिए तो आई हूँ। सरगम, I'm sorry. It's okay. बच्चे ही तो है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? नानी, हम लोग को पियानो नहीं सीखना। पियानो? नानी, वो टीचर अजीब सी है, हमें उससे पियानो नहीं सीखना। नानी प्लीज। कौन कौन सी टीचर बेटा? आओ, आजा बेटा, चलो बेटा धीरे। माँ जी, ये सिंथिया, मैं एक नए नए बच्चों को पियानो सिखाने के लिए अपॉइंट किया था। हेलो। हेलो, ये झूठ बोल रही है। सरगुन, बेटा ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी फैमिली इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रही है, क्यों ना हम एक दो क्लासेस ट्राई करके देख ले। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आज से शुरू कर सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। एंड बच्चों बिहेव प्रॉपरली। जाओ जाओ बेटा, जाओ बेटा। माँ जी मैं भी चलता हूँ, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। दीदी को क्या हो गया? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। सरगुन भाग, दीदी।
अर्जुन बेटा, तुम्हें ये सिंथिया कुछ अजीब नहीं लगी? जिस तरह का उसका बर्ताव था और जैसे वो बातें कर रही थी। बर्ताव तो मुझे उन दोनों का बुरा लगा माँ, ये सब बच्चों के बहाने हैं। आप इन सब में मत पड़िए। नहीं बेटा, ये महक की आखिरी ख्वाहिश थी माँ जी, पर मुझे तो लगता है कि शायद यही बच्चों के लिए अच्छा है, इसी बहाने उनका मन बहल जाएगा। पर इस तरह से उनसे कुछ भी जबरदस्ती करवाना? मैं भी उनका भला ही चाहता हूँ माँ जी, बल्कि मुझे यह लगता है कि सिंथिया को मैं फुल टाइम के लिए यहाँ पे लगा लेता हूँ, और मैंने अपना मन बना लिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो, आ जाओ बेटा।
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ तो है, कुछ तो है। हमें इस घर से निकलना होगा। लगाया मेरे पियानो को पापा, क्या बोलना चाहती है अपने पापा को? बोलना। मुझे ने सब कुछ सच सच बताना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सुनिए अर्जुन, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जान चुकी हूँ ये सब कौन कर रहा है, ये सब कुछ मेरी बहन दीदी कर रही है। ये पियानो भी उसी का है, ये पियानो ही सारी मुसीबतों की जड़ है। जब से ये पियानो इस घर में आया है तब से ये सारी चीजें हो रही है। प्लीज प्लीज इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, प्लीज। नहीं तो फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दीदी क्यों ऐसा कर रही हो? दीदी आप जानती हो ना पियानो मुझे कितना पसंद है, ये मेरा पियानो है। जब लोग उसे हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? जिनी छोड़ दो, छोड़ दो उनको। कोई गलती नहीं है। तो मेरी क्या गलती थी?
मेरी जिंदगी, मेरा पैशन, सब सब कुछ छीन लिया। क्यों? अपने अंदर दबाकर खुद को खत्म करती रहूंगी। कौन सा सच? मैं थी वो, मैं थी जिन्हें, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जलती थी मैं तुमसे, तुम्हारे टैलेंट से मैं जलती। Don't you remember? पियानिस्ट थे, लेकिन हमेशा मुझसे ज्यादा तुमको अटेंशन मिलती थी। क्यों? इसीलिए मैंने जिनी जिनी छोड़ दो उन्हें, प्लीज छोड़ दो। वो मैं थी, मैंने तुम्हारे ग्लव्स में वो कांच के टुकड़े डाले थे। किसी ने छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी अपनी बहन। मैं सिर्फ तुम्हें पियानो प्ले करने से रोकना चाहती थी, थोड़े समय के लिए सही। मुझे नहीं पता था कि तुम डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दोगी। I'm sorry, Jenny. I'm really sorry. मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। प्लीज 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 I beg you, छोड़ दो इन लोगों को। प्लीज छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, छोड़ दो इन्हें प्लीज। नहीं, अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे आइए सर, आइए। ये देखिए आपका नया घर, कितना खूबसूरत है नहीं? इतने कम बजट में आपको इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आइए आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.